पपीहा एक पक्षी है जो बसंत और वर्षा में प्राय पेड़ों पर बैठकर बड़ी सुरीली ध्वनि में बोलता है। पपीहा एक मध्य से बड़े आकार का पक्षी होता है जो तकरीबन कबूतर के आकार का होता है। इस पंख स्लेटी रंग के होते हैं और पेट में सफेद भूरी धारियां होती हैं, पूंछ में चौड़ी धारियां होती हैं। नर और मादा दोनों एक जैसे दिखते हैं। उनके आंखों के बाहर एक पीले रंग छल्ला होता है। पहली बार देखने में यह बिल्कुल किसी बांस की तरह दिखता है। उड़ते समय यह किसी बांस की तरह ही उड़ता है, यानी पंख फड़फड़ाकर फिर उन्हें फैलाकर उड़ता है। वह बांस की तरह ही उड़ते समय ऊपर की ओर उड़ता है और बैठने के बाद अपनी पूंछ को एक से दूसरी तरफ हिलाता है। यहाँ तक कि पक्षी और छोटे जानवर भी उसके दिखावे से भ्रमित हो जाते हैं और भय से शोर मचाने लगते हैं। पपीहा पेड़ से नीचे प्रायः बहुत कम उतरता है और पेड़ पर भी इस प्रकार छिपकर बैठा रहता है कि मनुष्य की नजर कभी कभार ही उस पर पड़ती है। इसकी बोली बहुत ही रसमय होती है और उसमें कई स्वरों का समावेश होता है। किसी किसी के मत से इसकी बोली में कोयल की बोली से भी अधिक मिठास है। ये भी प्रवाद है कि ये केवल वर्षा की बूंद का ही जल पीता है, प्यास से मर जाने पर भी नदी तालाब आदि के जल में चोंच नहीं डुबोता। जब आकाश में मेघ छा रहे हों, उस समय यह माना जाता है कि यह इस आशा से कि कदाचित कोई बूंद मेरे मुंह में पड़ जाए, बराबर चोंच खोले बादलों की ओर किए रहता है। बहुतों ने तो यहाँ तक मान रखा है कि यह केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का ही जल पीता है और गदी ये नक्षत्र निदर्वे तो साल भर प्यासा रह जाता है। इसकी बोली कामोद्दीपक मानी गई है। इसके अटल नियम, मेघ पर अन्य प्रेम और इसकी बोली की कामोद्दीपकता को लेकर संस्कृत और भाषा के कवियों ने कितनी ही अच्छी अच्छी उक्तियां की है। यद्यपि इसकी बोली चैत से भादों तक बराबर सुनाई पड़ती रहती है, परंतु कवियों ने इसका वर्णन केवल वर्षा के उद्दीपनों में ही किया है। साल भर ये अपने ही इलाके में आवास करता है, लेकिन सर्दियों में जहाँ ऊंचाई ज्यादा हो और इलाका ज्यादा सूखा होता है, वहाँ से ये पास के इलाकों में प्रवास कर जाता है जहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियाँ ज्यादा अनुकूल हों। पपीहा पेड़ों में ही रहता है और कभी ही जमीन पर आता है। इसका आवास बाग, बगीचे, पतझड़ी और अर्ध सदाबहार जंगलों में होता है। पपीहा पक्षी का जीवन काल करीब 10 से 15 साल का होता है। ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है और दूसरी चिड़ियों के घोंसलों में अपने अंडे देता है। प्रजनन काल में नर 3 स्वर की आवाज दोहराता रहता है, जिसमें दूसरा स्वर सबसे लंबा और ज्यादा तीव्र होता है। ये स्वर धीरे धीरे तेज होते जाते हैं और एकदम बंद हो जाते हैं और काफी देर तक चलता रहता है, पूरे दिन, शाम को देर तक और सवेरे पौ फटने तक।